Hello students, so today we will discuss your exercise 7.2, but uh, as usual before uh, going to exercise 7.2, I would like to explain you the concept related to the exercise. So, here we will discuss factorial notation, which is uh, an important term. एक्सरसाइज सेवन पॉइंट 7.2, सो यहां पर जो फैक्टोरियल नोटेशन है इसमें आप देखेंगे ये होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट शो करने के लिए और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से तो सपोज वी आर यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क ओवर एन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर फैक्टोरियल वन का मतलब वन क्योंकि ये पहला ही है और यदि टू फैक्टोरियल की वैल्यू निकालू तो वन इंटू टू और थ्री फैक्टोरियल का मतलब होगा वन इंटू टू इंटू थ्री फोर फैक्टोरियल का मतलब होगा यहाँ पर वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर सिमिलरली फाइव फैक्टोरियल बोले तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव एंड सिक्स फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स तो चलो देख लेते हैं कितनी वैल्यू होगी ये तो वैल्यू वन ही हो गई ये इक्वल टू टू हो गई ये इक्वल टू सिक्स हो गई ये इक्वल टू टू इंटू थ्री इंटू फोर सो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर और यहाँ होगा आपका ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर तक तो सेम ही है इंटू फाइव इक्वल दू वन ट्वेंटी और ये होगा आपका वन ट्वेंटी इंटू सिक्स सेवन ट्वेंटी तो आप यहाँ देखिए एक पैटर्न आपको मिलेगा जब आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे जो यहाँ तक का है ये यहाँ मैच हो रहा है मीन्स फैक्टोरियल टू को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से ये वन है ना और ये कितना आया था आपका टू और ये वैल्यू कितनी थी आपकी सिक्स ये वैल्यू आई थी आपकी ट्वेंटी फोर यहाँ आया था वन ट्वेंटी और ये आया आपका सेवन ट्वेंटी तो आप देखिए यहाँ पर जो फैक्टोरियल वन है ये तो फैक्टोरियल वन ही है बट जो फैक्टोरियल टू है इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग ये होगा वन इंटू टू इसको मैं रिवर्स लिखूँ तो ये हो सकता है आपका कितना टू इंटू वन और इसे लिख सकते हैं टू इंटू वन का फैक्टोरियल ध्यान देंगे इसी तरह जो थ्री है थ्री फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं आप लोग देखो यहाँ पे टू थ्री इंटू टू इंटू वन तो टू इंटू वन को तो क्या लिखा हमने फैक्टोरियल टू तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपको थ्री इंटू फैक्टोरियल टू इसी तरह आप लोग लिख सकते फोर फैक्टोरियल इक्वल टू इंटू थ्री फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल एंड सिक्स फैक्टोरियल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जरा देखें और डिटेल में मैं इसको बताना ये आपको कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो जैसे सपोज अगर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिक्स फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो ये आपका होगा सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री और ये टू इंटू वन को आप डायरेक्ट टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट लिखेंगे सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर और इसके आगे जो ये वाला टर्म है ये कितना हो जाएगा उसका थ्री फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसका मतलब सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल और यह लिख सकते आप सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल इसका मतलब यह है कि फोर इंटू थ्री फैक्टोरियर को लिखा जाता है फोर फैक्टोरियल जो कि आप यहां देख सकते हैं फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल मतलब फोर फैक्टोरियल सिमिलरली यू कैन राइट सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल यहां पर आप देख सकते सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल तो यहां से आपको एक कंक्लूजन हुआ कि आप लिख सकते एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको मिला और ए, इसे और आगे बढ़ा सकते हैं आप समझने के लिए इसे आप लिख सकते एन n माइनस वन जैसे कि सिक्स को फैक्टोरी को लिख सकते थे सिक्स फैक्टोरी क्या लिख सकते हैं हम लोग सिक्स फैक्टोरियल इक्वल टू तो सिक्स इं टू और सिक्स माइनस वन फाइव इन टू और फोर का मतलब सिक्स माइनस टू यानी फोर फैक्टोरियल यानी n n माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं ध्यान रहे ये इसके इक्वल भी होता है सिमिलरली और क्या लिख सकते हैं आप लोग एन एन माइनस वन एन माइनस टू इन टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है कंडीशन अप्लाई कि एन की वैल्यू थ्री से ज़्यादा होनी चाहिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और रिजल्ट जब मैं आपको बताऊँ कि ए प्लस बी का जो फैक्टोरियल है ये ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता मीन्स आप देखें टू प्लस थ्री फैक्टोरियल शुड नॉट इक्वल टू टू फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू फाइव है और फाइव का फैक्टोरियल हमने आपको दिखाया है यहाँ पर कितना है वन ट्वेंटी तो ये वन ट्वेंटी हुआ और इधर आप देखेंगे तो टू का फैक्टोरियल टू है टू का फैक्टोरियल आपकी वैल्यू टू है और जो थ्री का फैक्टोरियल इसकी वैल्यू सिक्स है तो देखेंगे जो राइट right साइड है जो इसकी राइट right साइड है वो एट हुई और जो लेफ़्ट साइड है ये वन ट्वेंटी और ये दोनों इक्वल नहीं होते इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए प्लस बी फैक्टोरियल विज नॉट इक्वल टू ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल सिमिलरली ए माइनस बी के लिए भी सेम आपका रूल हो गया और अब ए इंटू बी को ट्राई करते हैं ए इंटू बी फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू ए फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल यहां भी आप देख सकते हैं सपोज हम ए की वैल्यू लेते हैं टू और बी की वैल्यू थ्री लेते हैं वही तो इसका फैक्टोरियल होना चाहिए आपका सिक्स फैक्टोरियल और यहाँ पर आपका टू फैक्टोरियल यहाँ देखते हैं टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल के इक्वल है कि नहीं तो ये पहली थी इसमें दो आइडेंटिटी ध्यान रखे एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रोडक्ट के लिए है तो यहाँ पर आप चेक करेंगे देखिए ये वैल्यू आएगी आपकी टू ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सिक्स जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है और यहाँ लेफ्ट साइड लिखेंगे सिक्स का फैक्ट्रेल सेवन ट्वेंटी और सेवन सेवन ट्वेंटी और इधर राइट साइड में कितना हुआ आपका ट्वेल्व ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये आपका सिक्स का फैक्टोरियल होता है सिक्स के फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी सेवन ट्वेंटी हो जाएगी तो इसी तरह आप लोग देखेंगे जो एपॉन बी का फैक्टोरियल ये भी आपका ए फैक्टोरियल अपॉन बी फैक्टोरियल के नहीं होता ये आपका तीसरा रूल याद रखेंगे और इसको मैं आप समझा दूं कि ये अभी आपको एट या सिक्स लेता हूं चलिए नंबर हैं सारे यहां पर तो सिक्स बाई टू का फैक्टोरियल और इधर क्या ले लेंगे हम लोग ये चेक करेंगे हम लोग ये इक्वल नहीं था इस तरह ये भी इक्वल नहीं होगा और सिक्स फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल के और यहाँ हम चेक कर लेते हैं सिक्स बाई थ्री का मतलब थ्री फैक्टोरियल है और सिक्स फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे पहले तो ये आपका हो जाएगा आप देखें थ्री फैक्टोरियल इक्वल टू सिक्स और uh, यहाँ पर सिक्स फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है डेट इक्वल टू सेवन ट्वेंटी और टू फैक्टोरियल की वैल्यू होती है टू और ये कट के आएगा आपका सी सिक्सटी सिक्स इज नॉट इक्वल टू सी सिक्सटी सो लेफ्ट साइड नॉट इक्वल टू राइट साइड सो दीज आर योर और नाउ वी विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज 7.2 सो नाउ वी विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन देखे। आप देखेंगे उन्होंने दिया है इवेलुएट एट फैक्टोरियल फर्स्ट पार्ट है इसका एट फैक्टोरियल तो ये वैल्यू हो जाएगी आपको जैसा मालूम है आपको डेफिनेशन से एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन या मैं यूँ कहूँ कि यहाँ तक का क्या हो जाएगा आपका सिक्स फैक्टोरियल तो एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल तो एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स इंटू सिक्स फैक्टोरियल होगा आपका सेवन ट्वेंटी और यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा प्रोडक्ट कर लेंगे डायरेक्ट अभी सेवन ट्वेंटी का और फिफ्टी सिक्स का ये सिक्स ज़ीरो जीरो सिक्स टू ट्वेल्व और सिक्स जा फोटी टू तो ये होगा फोर्टी थ्री और फाइव जीरो ज़ीरो फाइव टू टेन और फाइव थ्री जा थर्टी फाइव या थर्टी सिक्स हो जाएगा सो ज़ीरो टू थ्री जीरो फोर जीरो थ्री टू जीरो तो ये होगा आपका फोर जीरो थ्री टू जीरो और सेकंड पार्ट देखिएगा इसमें ये दिया है उन्होंने फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल एंड दैट विल नॉट इक्वल टू वन फैक्टोरियल जैसा हमने आपको समझाया था और फोर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी देखिए फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल और ये हो जाएगा आपका थ्री फैक्टोरियल इन दोनों में आप चाहें तो थ्री फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं तो ये यहाँ पर आपका फोर बचेगा और यहाँ पर आपका वन हो जाएगा तो फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट में और थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू आपको बताए थ्री इंटू टू इंटू वन कितनी होती है सिक्स ये छोटे छोटे नंबर की वैल्यू आप याद भी रख सकते हैं तो सिक्स इंटू थ्री डेट इज इक्वल टू एटीन तो एटीयर को सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन और ना विल प्रोसीड टू सेकेंड क्वेश्चन और यहाँ देखेंगे चेक करने के लिए दिया है एज थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल इक्वल टू सेवन फैक्टोरियल ये क्वेश्चन है तो ये आपको मालूम है कि जो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे ये थ्री फैक्ट्री प्लस फोर फैक्ट्री चेक करेंगे तो ये होगा थ्री फैक्ट्री की वैल्यू थ्री इंटू टू इंटू वन और इधर आ जाएगा आपका फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो ये कितना होता है आपका थ्री इंटू टू इंटू वन कॉमन ले लो तो यहाँ वन आया और यहाँ फोर आया तो ये आपका फाइव हुआ और ये आपका सिक्स हुआ ये थर्टी आया और जो आर एच एस की वैल्यू है वो आपकी सेवन इंटू सेवन फैक्टोरी को आप लिख सकते हैं सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल और सेवन इंटू और सिक्स फैक्टोरियल सेवन ट्वेंटी है तो आपको मालूम है दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू थर्टी सो यू कैन राइट दैट एज एल एच एस इज़ नॉट इक्ल टू आर एच एस देर फॉर

इसको लिख सकते हैं आप एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल और जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर आप सिक्स फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल देख रहे हैं तो ये सिक्स फैक्टोरियल ये सिक्स फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू होगी एट इंटू सेवन और डिवाइड बाई टू फैक्टोर टू फैक्टोर की वैल्यू है आपके पास एट इंटू सेवन अपॉन टू इंटू वन और ये हो जाएगा आपका फोर टू फोर एट so, so, और फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट तो ये वैल्यू विल बी ट्वेंटी एट सो नाओ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ वन बाई सिक्स फैक्टोरियल प्लस वन बाई सेवन फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स बाई एट फैक्टोरियल देन फाइंड एक्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो वन बाई सिक्स फैक्टोल को मैं लिखूँगा सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और जो वन बाई सेवन फैक्टर को मैं लिख रहा हूँ सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और इक्वल टू यहाँ पर जाओ एक्स बाई एट फैक्टर देखो लिखेंगे हम लोग एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू वन जैसे कि आपको पता है फैक्टोरियल के लिए नियम है आप जरा देखें जो ये वाला टर्म है 6 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन दिस इज कॉमन यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी मैं इसको आपको डायरेक्ट बता सकता था लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था कि कैसे हम लोग कॉमन ले रहे हैं इस टर्म का नाम क्या रख सकते हैं हम सिक्स फैक्टोरियल तो यहाँ पर गए कैसे लेंगे हम लोग इसे मैं अब डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए ये वन बाई सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगा और ये हो जाएगा सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल और इक्वल टू एक्स अपॉन एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल तो यहाँ पर वन अपॉन्ट सिक्स फैक्टोरियल यू कैन टेक कॉमन तो ये हो जाएगा आपका वन बाई वन प्लस वन बाई सेवन इक्वल टू एक्स अपॉन्ड इधर क्या आएगा आपका एट इंटू सेवन इन सिक्स फैक्टोरियल ये सिक्स फैक्टोरियल यहाँ से आप कैंसिल आउट कर देंगे तो क्वेश्चन कुछ तरह हो जाएगा वन प्लस वन बाई सेवन इक्वल टू एक्स अपॉन्ड एट इंटू सेवन और ये हो जाएगा आपका सेवन वन जा सेवन वन वन एट एट बाई सेवन इक्वल टू एक्स अपॉन एट इंटू सेवन और यहाँ भी आपका सेवन सेवन कैंसल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी एट एट जा सिक्सटी फोर सो इट वॉज़ ए सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फोर और नाउ यू विल गोइंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन uh, है टू एवेल्युएट एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और पहला पार्ट जो है इसमें उन्होंने एन इक्वल टू सिक्स दिया है एंड आर इक्ल टू टू दिया हुआ है तो सब करते हैं वैल्यू देयर फॉर एंड फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी सिक्स फैक्टोरियल ओवर सिक्स माइनस टू का फैक्टोरियल एंड इट विल इक्वल टू सिक्स फैक्टोरियल ओवर फोर फैक्टोरियल और ये होगा सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल जैसा कि हम देख रहे हैं नीचे फोर फैक्टोरियल है तो ये कैंसिल हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पर समझाया था आपको और यहाँ पर यह आएगा सिक्स इंटू फाइव एंड दैट विल इक्वल टू थर्टी और इसका जो सेकेंड पार्ट है इसमें देखेंगे जो सेकंड पार्ट है इसमें दिया हुआ है आपको एन की वैल्यू नाइन और आर की वैल्यू है फाइव तो यहाँ पर आप देखेंगे एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा आपका नाइन फैक्टोरियल ओवर नाइन माइनस फाइव का फैक्टोरियल सो ये होगा इक्वल टू नाइन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल और यहाँ पर नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल तो ये वैल्यू आ रही है आपकी नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव तो यहाँ पर आप देखें सिक्स इंटू फाइव जो है आपका हो जाएगा थर्टी और इसको मैं एट से मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा 120, 240, 30 फोर्टी थर्टी इंटू एट टू फोर्टी और यहाँ पर सिक्स इंटू सेवन इंटू नाइन सिक्सटी थ्री और अब इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं ये आपका सिक्स थ्री और टू फोर ज़ीरो तो टू फोर से ही कर देते हैं जीरो तो टू राइट रख देंगे तो फोर थ्री 12 ट्वेल्व और फोर थिक्स 24, ट्वेंटी फोर ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और टू थ्री जा टू सिक्स जा ट तो ये होता टू वन फाइव वन वन फाइव वन टू ज़ीरो वन फाइव वन टू जीरो सो इट वाज़ योर क्वेश्चन नंबर फाइव एंड इट वाज़ योर एक्सरसाइज होप आपने एन्जॉय किया होगा